चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज से संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय तय किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 या 3 जुलाई को जवाब देंगे। तो पीएम मोदी 2 या 3 जुलाई को जवाब देंगे, लेकिन संसद में आज से धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। लोकसभा में अनुराग ठाकुर वहीं इसकी शुरुआत करेंगे, तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो सुधांशु त्रिवेदी इस परंपरा की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं संसद में आज की तस्वीरें, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से बहस शुरू होगी। संसद भवन, चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि जयपुर से जुड़ी हुई है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत आज बड़ी बैठक करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुबह 10 बजे। यह बड़ी बैठक होगी, संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों की समीक्षा की जाएगी और की परफॉर्मेंस इंडेक्स की भी समीक्षा होगी। अब तक की लंबित पत्रावलियों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही बैठक में सभी विभागों के ACS, प्रमुख सचिव, सचिव शामिल होंगे। तो की परफॉर्मेंस इंडेक्स की समीक्षा की जाएगी। अब तक जो प्रत्यावली लंबित हैं, जिस पर एक्शन नहीं हुआ है, उसकी समीक्षा की जाएगी। बैठक में सभी विभागों के ACS, प्रमुख सचिव, सचिव शामिल होंगे। सुधांशु पंत आज बड़ी बैठक लेंगे। और वहीं प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, चाहे फिर भरतपुर हो या फिर दौसा, जोरदार बारिश देखने को मिली। भरतपुर में कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते कई जगह जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दौसा में पूरी रात जमकर मेघा बरसते हुए नजर आए हैं और बारिश से शहर में सड़कें दरिया बन गई है। ये आप दौसा की सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, सड़कें दरिया में तब्दील होती हुई, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है, जोरदार बारिश, चाहे वो फिर भरतपुर हो या दौसा। रात से ही बारिश का दौर जारी है, गर्मी से जरूर निजात मिली है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है ये भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाती है, क्योंकि लोगों को अपनी रोजमर्रा दिनचर्या को फॉलो करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रदेश में बारिश का दौर अब जारी है, यानी कि अब मॉनसून सीजन ने दस्तक दे दी है, उसी की तस्वीर आपको दौसा भरतपुर से दिखा रहे हैं इस वक्त। तो मेघ तो गरज रहे हैं, सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं, लेकिन जिसको जो काम करना है वो करेगा ही, चाहे बारिश हो या फिर भीषण गर्मी। और अब क्योंकि भीषण गर्मी थी उससे लोगों को निजात मिली है, लेकिन बारिश हो रही है, मौसम सुहाना जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह बारिश हो रही है वो भी परेशानी जरूर बढ़ा देती है। भिलवाड़ा में भी मॉनसून की बरसात के बाद बिजली गिरने से एक देवस्थान का गुंबद डैमेज हो गया। ये तस्वीरें हम आपको गुंबद की दिखा रहे हैं, देवस्थान के गुंबद की जो डैमेज हुआ है। करीब 50 से 100 लोग रात्रि जागरण के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। गनीमत ये रही कि सभी लोग मंदिर परिसर में इधर उधर बिखरे हुए थे, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आपको दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वही मंदिर परिसर का गुंबद है, जो पानी के चलते, पानी बरसने के वक्त और तेज हवा के चलते ये गुंबद धराशाही हुआ। गनीमत ये रही कि मंदिर परिसर में 100 लोग उस समय जागरण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इधर उधर लोग थे तो किसी को कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि इसको भी जल्द मरम्मत करा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी तरह की छोटी छोटी तस्वीरें बारिश के दरमियान निकलकर सामने आती हैं, कहीं वो जनहानि का शिकार हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल ये गनीमत रही इसमें कि भिलवाड़ा में गुंबद गिरा तो उस दरमियान उसके नीचे कोई नहीं खड़ा था, वरना इस हादसे में कोई इसका शिकार हो जाता। बारिश के चलते बिजली गिरी गुंबद पे और उसके बाद बारिश हुई और बिजली गिरी, उसके बाद ये गुंबद डैमेज हुआ है गुंबद। और जोधपुर में भी पहली बरसात में ही नालों की पोल खुल गई है। जी हां, गुरुवार शाम हुई बरसात के दौरान एक युवक की नाले में गिरने से मौत हो गई। युवक को नाले से निकालकर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा शहर के एयरपोर्ट रोड पर हुआ।
सूचना पर एयरपोर्ट थाना पुलिस एएसपी ईस्ट वीरेंद्र सिंह पहुंचे, कलेक्टर गौरव अग्रवाल और नगर निगम दक्षिण आयुक्त भी हॉस्पिटल पहुंचे। एयरपोर्ट थाना अधिकारी हनुमान सिंह ने बताया कि 22 साल का छगाराम पुत्र नरपत राम सुवालिया शेरगढ़ का रहने वाला था। वो एयरपोर्ट रोड पर किराए के मकान में रहता था। छगाराम बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। वो जोधपुर में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बारिश हुई और ये एयरपोर्ट का रोड है जहां पर वो छोटा बच्चा नहीं जो डूबा है और नाले में पानी की वजह से पता नहीं चला कि वो गहरा नाला इतना है, नालों की पोल खुल गई। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जगदीश जी नायक, उनको सब पता था कि यहाँ पर नाले का काम चल रहा है। पिछले 3 महीने से नाले का काम चल रहा है, आधा अधूरा होके उसको रोक दिया। हमारे व्हाट्सएप पर ग्रुप बन रखा है, हम सब ने मिलकर उनको लिखित में भी दिया, व्हाट्सएप पे भी बोला कि सर ये नाला खुला हुआ, इसको बंद कराओ। आज बारिश आई, एक बच्चा अंदर गिर गया, वो डूब गया, तो हमारा पार्षद यहाँ आया ही नहीं। वो कह रहा मेरा काम ही नहीं है, तो ये काम किसका है? हमने आपको अमूल्य वोट दिया, हमारे किसने दिया? आज यहाँ पर ये जो घटना हुई है जिसके अंदर ये बच्चा जो है बेसिकली ऊपर नाले के अंदर गिरा था, बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया, उसको अस्पताल ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही जो नाला खुला हुआ था जिसके लिए जो निगम के संबंधित जो कार्मिक हैं जिनकी लापरवाही रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा करेक्टिव एक्शन लिया। और अब जालौर से बड़ी खबर मिल रही है। भीनमाल के मोबाइल कारोबारी की चीन में हत्या बताई जा रही है। सतीश माली की चीन में किडनैप के बाद हत्या का मामला आपको सीधे बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 जून को चीन में व्यवसायी का अपहरण हुआ था और अब उसकी हत्या की खबर आ रही है। यही वो शख्स है जिसका अपहरण करने के बाद चीन में हत्या की गई। भीनमाल के मोबाइल कारोबारी है सतीश माली की चीन में किडनैप के बाद हत्या की गई। अब व्हाट्सएप कॉल से बदमाशों ने फिरौती मांगी थी और उसके बाद चीन से बेटे का शव लाने के लिए परिजनों ने अब गुहार लगाई है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा, सतीश माली के शव को भारत लाने की मांग की जा रही है। तो किडनैप की गई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए फिरौती मांगी जा रही थी। अब परिवार वाले विधायक लुम्बाराम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि घर के इस शख्स को सीधे चीन से भारत लाया जाए शव को। फिलहाल भीनमाल के मोबाइल कारोबारी की चीन में हत्या, पहले किडनैपिंग, सतीश माली इनका नाम है जो आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं, और लुम्बाराम को, वो विधायक लुम्बाराम को जो लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया है, वो भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधे घर परिवार वालों ने गुहार लगाई है कि शव को भारत लाया जाए। विदेश मंत्री को पत्र लिखा गया है, आपको सीधे तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, सांसद लुम्बाराम चौधरी ने विदेश मंत्री से सीधे बात भी की है। भीनमाल के मोबाइल कारोबारी की चीन में हत्या, पहले किडनैपिंग, उसके बाद अब हत्या की खबर। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की। अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी है और आज भी अतिक्रमण पर एक्शन जारी रहेगा। न्यू सागर रोड अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है और आज तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रहेगी। 200 फीट चौड़ा करने के लिए 615 निर्माण गिराए जाएंगे और कल 4 किलोमीटर इलाके से अतिक्रमण हटाया गया था। 400 से ज्यादा निर्माणों पर बुलडोजर चला और अब जो चिन्हित स्थान में उस पर भी आज पीला पंजा आपको चलते हुए दिखाई पड़ेगा। 200 फीट चौड़ा रोड ये करने पर जितने भी इस पे अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण है, उन सबको हटाया जा रहा है नोटिस देने के बाद, और जिन पर हाईकोर्ट से स्टे है उनको फिलहाल अभी रोक दिया जाएगा। बताते चले कि इस 200 फीट रोड अगर चौड़ा हो जाएगा तो इसमें लग रहे रोज के जाम से आम जनता को उन परेशानियों से निजात मिल पाएगी। फिलहाल 2 दिन हो चुके हैं अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए जेडीओ के द्वारा, आज तीसरे दिन भी यह अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी। तो आज भी जेडीओ की कार्रवाई जारी रहेगी, 200 फीट चौड़ा करने को लेकर यह अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। कल 4 किलोमीटर इलाके से अतिक्रमण हटाया गया था, 400 से ज्यादा निर्माणों पर बुलडोजर चला था, 615 अभी चिन्हित है, बचे हुए 115 और अभी इसमें बाकी है जिस पर अभी कार्रवाई होनी है। फिलहाल ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर 2 दिन से बुलडोजर की कार्रवाई जेडीए के द्वारा की जा रही है। अतिक्रमण जो दुकानें हैं, क्योंकि ये इलाका व्यवसायी इलाका है, तो ऑलमोस्ट जितनी दुकानें हैं उनको धराशायी किया गया है। आज भी जो दुकानें बच गई हैं 200 फीट चौड़ा करने पे सड़क पे, उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई जेडीए के द्वारा की जाएगी।
और इधर अलवर के वैशाली नगर इलाके के मन्नाका गांव में पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मकान के अतिक्रमण वाले हिस्से को बुलडोजर की कार्रवाई में गिरा दिया गया। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यूआईटी ने जमींदोज कर दिया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मकान पर चला बुलडोजर, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई। कुल 10 अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई। अलवर के मन्नाका में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान का ये मकान है, जहां पर आप देख सकते हैं आप जेसीबी जब जो बुलडोजर है वो चल रहा है और लगातार अतिक्रमण है उसको तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके जो मकान का जो आगे की बाउंड्री वॉल है और ये जो टावर बना हुआ है इसे अतिक्रमण माना गया है। और आप देख सकते हैं कि जेसीबी जो लगातार यहाँ 10 मकान चिन्हित किए गए हैं उनको जो अतिक्रमण को मान चुकी है, वहाँ अतिक्रमण को तोड़ने की जो कार्रवाई है लगातार की जा रही है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मकान में अतिक्रमण वाले हिस्से को घिरा दिया गया, जिस दौरान कार्रवाई की गई। उस वक्त एएसपी तेजपाल सिंह, एसडीएम प्रतीक जुईकर, डीएसपी और 6 थानों के पुलिस जाब्ते समेत 100 से ज्यादा पुलिस के जवान मौजूद रहे। यूआईटी ने जो सर्वे किया गया वहाँ पे जो यूआईटी की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, जिसके ऊपर अतिक्रमण पाया गया, लगभग 10 घरों का अतिक्रमण पाया गया, उसको चिन्हित किया गया, विधि पूर्वक सभी को नोटिस जारी किए गए। उसके बाद दोबारा नोटिस जारी किए गए कि स्वयं ये अपना अतिक्रमण हटाए। उसके बाद लोगों ने वहाँ पर सामान भी हटा लिया। इससे ये प्रतीत होता है कि वो जानते थे कि ये सरकारी जमीन पे अतिक्रमण था, पर आज नियमानुसार यूआईटी के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मौके पर 5 जेसीबी से हिस्ट्री शीटर समेत 10 चिन्हित अतिक्रमण हटाए गए। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सर्वे कराकर अवैध अतिक्रमण को गिराया जाएगा। जैसे जैसे लंबाई का आप रास्ते के पहले लग चलोगे ना, कहीं 10 फीट है, कहीं 12 फीट है, कहीं 15 फीट है। ये मकान भी अतिक्रमण में आ रहा है, कुछ हिस्सा है जो हम गिरा चुके हैं और कुछ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि इनके अगल बगल में जो और मकान है वो भी अतिक्रमण की श्रेणी का है, उसका हम सर्वे करवाएंगे। इसको हमने बोर फुटिंग पे सबसे पहले, ये जो थे फिरोज जो एक अपराधी किस्म का आदमी, इस पे हमें उच्च अधिकारियों के ऐसे आदेश थे कि सबसे पहले इसका काम किया जाए, बाकी हम सारा ही करवाएंगे। जो भी अतिक्रमण यूआईटी का होगा हम उसको खत्म करेंगे। दरअसल 22 जून की शाम पुलिस हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को पकड़ने उनके गांव गई थी। उस दौरान फिरोज खान के परिवार ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें 2 कांस्टेबल जख्मी हुए थे, जबकि मौका पाते ही फिरोज खान वहां से फरार हो गया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूआईटी ने पूरा ये मापतोल कर लिया है और इसमें कुछ ये जो आवास है सरकारी जमीन पर होना पाया है, अकॉर्डिंगली उसमें हम लोग इमदाद दे रहे हैं और जो जहाँ तक सरकारी जमीन है उसको खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मन्नाका गांव में हिस्ट्री शीटर के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम समाज के जन प्रतिनिधि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिले और प्रशासन की कार्रवाई पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए। प्रशासन को ये कहना चाहूंगा, इस प्रकार की कार्रवाइयां गलत है। संविधान सम्मत जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जो भी गलती की है उसकी सजा उसको मिले, नहीं कि उसके परिवार को, उसके मिलने वालों को, आसपास के पड़ोसियों को। आप एक ही लाइन के अंदर सब लोगों का जिस प्रकार से कर रहे हैं वो गलत है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर एक तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस फिरोज खान की तलाश कर रही, जिस पर राजस्थान, एमपी और यूपी समेत कई अन्य राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अलवर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। उधर राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र विकास यादव की मौत हो गई। इस मामले को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूटा है। एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया और कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन झूठ बोल रहा है, विकास की गहराई में डूबने से मौत हुई है। उस वक्त वहाँ कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। साथ ही छात्रों का ये भी कहना है कि स्विमिंग पूल में हर दिन बड़ी संख्या में स्टूडेंट और आम लोग पहुंचते हैं, बावजूद इसके यहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगाए गए। इसे यूनिवर्सिटी प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है।
और लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी हो रही है, जिसके लिए बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने झुंझुनू में पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों का आगाज किया। हालांकि 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की राहें आसान नहीं मानी जा रही है, और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत उनकी पार्टी की होगी, लेकिन राह उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे आज राजस्थान की जनता को पता है कि हमें विकास कराना, विकास के लिए उनको राजस्थान विधानसभा में उनका प्रतिनिधि भेजना जरूरी है। हम 5वीं विधानसभा के 100% जितने पहले विधायक में जो मतों से कहीं हारे हैं, उससे डबल मतों से इस बार हम जीतेंगे। 5 विधायक सांसद बनकर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, अब सूबे की 5 सीटों पर उपचुनाव की बारी है। तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, पर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का झुंझुनू का दौरा, कहने को तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खाते में डीबीटी करने से जुड़ा था, पर असली मकसद उपचुनाव ही था। जो हमारे मुख्यमंत्री जी 6 महीने से काम कर रहे हैं, और जो भाजपा के संकल्प पत्र में जो वादे थे, उनमें से 40-42% वादों को पूरा करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारी सेवा जनता के सामने रखेंगे, हमारे कामों को जनता के सामने रखेंगे, और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी की झुंझुनू में बरसों से झोली खाली रही है, पार्टी एक अदद जीत को तरस रही है। ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बन जाने से झुंझुनू की सीट खाली हुई है, दावेदार भी यहां अनेक हैं, पर गुटबाजी के भंवर में फंसी पार्टी जिताऊ चेहरे की तलाश में जुटी है। सरकार के मंत्रियों का यह दावा है कि उपचुनाव में कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। आरसीपी हो चाहे यमुना जल का मामला हो, उसमें जिस तेजी के साथ समझौते हुए, तो प्रदेश की जनता ये समझने लगी है कि धीरे धीरे राजस्थान में अराजकता समाप्त होकर सुशासन आ रहा है, और आमजन सुशासन को पसंद करेगा, और आने वाले 5 विधानसभा के उपचुनाव में और उसके आगे आने वाले स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। आने वाले दिनों में झुंझुनू, खींवसर, चौरासी, देवली, उनियारा और दौसा में उपचुनाव होने हैं। खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल और उनके परिवार का 2008 से दबदबा है, तो 84 में राजकुमार रोध के नाम की आंधी चल रही है। देवली उनियारा सीट से बीजेपी 2013 में आखिरी बार चुनाव जीती थी। दौसा में मुरारीलाल मीना की लोकप्रियता बरकरार है, बीजेपी को यहां कांग्रेस के गुर्जर मीना और दलित वोट बैंक की काट ढूंढनी होगी। यदि देखा जाए तो पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की एक भी उनमें नहीं थी, लेकिन जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। बहरहाल बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार की अब तक की उपलब्धियां उसकी चुनावी नैया पार लगा देगी, इसीलिए हर मंच से बीजेपी के नेता सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। लोकसभा की 11 सीटें हारने के बाद बीजेपी के सामने चुनौतियों के पहाड़ खड़े हैं, इसलिए उपचुनाव में पार्टी को छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना होगा। हालांकि बीजेपी के पास इन सीटों पर खोने के लिए कुछ नहीं है, मगर कुछ सीटें भी अगर बीजेपी जीत जाती है तो न केवल पार्टी काडर का वो भरोसा बढ़ा पाने में कामयाब हो जाएगी, बल्कि सत्ता विरोधी लहर को भी थामने में उसे सफलता मिल जाएगी। आखिर देखना यही है कि बीजेपी चुनाव में किस तरह से अपने आप को झोंकती है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर।